नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला एक्सप्रेस के खास हो खास शख्सियत खास बातचीत में आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिला अधिकारी व सीएमओ के बीच चल रहे वाद विवाद को लेकर के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में मौजूद है संदीप जैन, जो वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले चलेंगे संदीप जी, आपसे जानेंगे कि जिस प्रकार आपका संगठन लगातार वैश्य समाज जो है जिला अधिकारी के पक्ष में उतर रहा है, क्या पूरा इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे और रायबरेली की जनता से क्या अपील करेंगे आप लगातार? देखिए, हमारा जो है वो एक सामाजिक संगठन है, हमारा राजनीति से या और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन होता क्या है कि पिछले काफी दिनों से आप सभी मीडिया बंधुओं के और समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही थी कि जो वर्तमान सीएमओ महोदय हैं, ये इनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे लोग, और हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग और व्यापारी भी तमाम, जब यहाँ के जो मेन रियान हॉस्पिटल में जो संचालित हो रहा है कोविड का जो हॉस्पिटल है, हाँ, तो वहां से भी बहुत तरह की शिकायतें आ रही थी। ना रोगियों को वहां पर जो नियमावली के अनुसार ना उनको भोजन दिया जा रहा था और ना ही साफ सफाई की व्यवस्थाएं थी, तो इसकी शिकायतें जब की जाती थी तो उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब हुआ क्या कि जो इन जिलाधिकारी महोदय से जो पिछली जो जिलाधिकारी थी उनका भी जनता से मेलजोल कम हो पाता था, तो हम लोगों की जो शिकायतें हैं वो पूरी तरह से नजरअंदाज होती रही। अब उसके बाद जब ये नए जिलाधिकारी का आगमन हुआ तो उन्होंने आते ही जिस तरह से जनता से भी संवाद बनाया और हमारे संगठन से, व्यापारिक संगठनों से भी कई तरह के मुद्दों पर इनसे जिस भी विषय पे बातचीत की गई तो इनका रवैया बहुत सकारात्मक रहा है। चाहे वो अभी बाजारों में जैसे शौचालय और मूत्रालय बनाने की चाहे विषय रहा हो, चाहे अतिक्रमण का विषय रहा हो, सब पे उन्होंने बहुत सकारात्मक ढंग से पहल करते हुए और कई मुद्दे जो पिछले 6-6 महीने से लंबित पड़े हुए थे उन पे सब पे उन्होंने बहुत सकारात्मक रवैया दिखाया। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार जिस प्रकार एक मीटिंग होती है, बैठक हुई जिले के आला अधिकारियों के साथ, उस मीटिंग के दौरान जिस प्रकार सीएमओ साहब ने आरोप लगाया जिला अधिकारी के ऊपर कि इस प्रकार के हमारे अभद्र भाषाओं का प्रयोग हमारे ऊपर किया गया, तो क्या लगता है इस रवैये से किस प्रकार आप देखेंगे, आपका समाज किस प्रकार इस ओर ध्यान देगा? देखिए, अभद्रता और इस तरह की चीजों का हमारा समाज या संगठन समर्थन नहीं करता है। लेकिन अब कल जैसे जो हमारे कमिश्नर साहब श्री मुकेश मेश्राम जी भी इस विषय पे आए थे और उनका जो बयान हमारी निगाह में आया है कि उन्होंने कहा कि अब जिलाधिकारी महोदय ने खेत प्रकट कर दिया है और अब इस मुद्दे को यहीं पे पटाक्षेप करके दोनों अधिकारियों को या इस पे सबको, अब इस समय जो वर्तमान काल है ये लड़ाई का नहीं है। इस समय मरीजों की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे को आगे बढ़ के लोगों की सेवाओं पे ध्यान देना चाहिए, उसके बजाय वो गुटबंदी और लामबंदी और हड़ताल और इन सब विषयों पे लगे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय की ओर से तो ये खेद प्रकट कर दिया गया है, अब इसको मामले को यही निपटा देना चाहिए। लेकिन लगातार तूल देता जा रहा है, प्रांतीय संघ एसोसिएशन की बात की जाए तो उसने भी देर रात एक फिर विज्ञप्ति जारी की और उसमें उन्होंने कमिश्नर साहब के जो भी बात भी बात किया और कमिश्नर साहब ने बात की जिलाधिकारी महोदय से, उन्होंने खेद इस पूरे मामले को जरूर कहा कि हमसे खेद हुआ, लेकिन इस पूरे उसके बाद भी वाद विवाद सुचारू रूप से फिर से चालू हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है कि अब इस मामले को, जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि इसको यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, इसको तूल देने का कोई प्रश्न नहीं उठता, मतलब कोई उससे लाभ नहीं होना है और जो हमारी जनता है इसको ही तकलीफ होनी है। सारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं या उससे जुड़े हुए जितने भी कर्मी हैं सबको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो इससे परेशान हो रहे हैं। तो जिलाधिकारी और सीएमओ का जो भी विषय है उसको अब कम से कम कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार या उनकी मंशा के अनुसार इसको समाप्त करके और इसको यहीं खत्म कर देना चाहिए, ना कि अब और उसको तूल देना चाहिए। तो इसलिए हमारा संगठन इसमें जिलाधिकारी महोदय का पक्ष इसलिए ले रहा है कि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है और अब इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन लगातार जिस प्रकार तूल दिया जा रहा है इससे किस प्रकार आप लोग ध्यान देते हैं? अब ये तो फिर मनमानी और हिटलर शाही की बात है। अब इसमें तो फिर मुझे लगता है कि या तो मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि उनका तो बहुत सख्त रवैया रहा है कि जनता की सेवाओं के साथ में किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर लगातार शिकायतें मिल रही हैं हॉस्पिटल की, अच्छा कल अभी कमिश्नर साहब ने भी वहां की जो जांच की है वहां उनको भी निश्चित रूप से कमियां सबको दिखाई पड़ी है, तो अब तो मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए और जल्दी ही इसको निपटारा होना चाहिए। और नहीं तो अगर जहां कहीं अगर जिलाधिकारी महोदय के
पक्ष में लोगों के आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा संगठन पूरी ताकत से जो है इसके पक्ष में आवाज उठाएगा। लेकिन लगातार सीएमओ साहब तो एक आरोप लगा रहे हैं ना कि जिलाधिकारी महोदय को इस जिले से हटाया जाए, नहीं तो हम इनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे, कई ऐसे आरोप है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, तो इसको किस प्रकार आप लोग देखेंगे, किस प्रकार आप जिलाधिकारी के साथ में आप लोग? अब मैंने बताया ना कि ये तो फिर व्यक्तिगत दुर्भावना और ये मनमानी और लूट खसोट को अगर बढ़ावा देने वाली बात है, अगर कोई जिलाधिकारी किसी विषय पे किसी अधिकारी से कोई जवाब तलब करता है, लगातार शिकायतें जिलाधिकारी के संज्ञान में आ रही हैं, और उनको अगर किसी तरह से वो मीटिंग में उठाता है और उसके जवाब चाहता है, तो जवाब ना देके और गुमराह करने वाली अगर कोशिश रही, इसी वजह से जिलाधिकारी का जो गुस्सा है वो भड़का होगा और उस पर उन्होंने खेद भी प्रकट कर दिया है। अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, अगर अब इसको आगे बढ़ावा देते हैं तो ये तो जिले की जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपकी संदीप जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपने कोरोना काल में कई ऐसी चीजें की जो कि कोरोना काल में करना चाहिए, कोरोना योद्धाओं का आपने लगातार सम्मान किया, कोरोना जागरूकता अभियान भी आपने चलाया, लगातार इसको आपने चलाए रखा और अभी भी चला रहे हैं, इस दौरान आपने कई दिक्कतें देखी होंगी सीएमओ के कारण लोगों से समन्वय ना बैठ पाना, कई दिक्कतें ऐसी आई होंगी, उसको किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? क्योंकि अभी हमने एक लाइव शो चलाया था, उस दौरान कई ग्रामीण के लोगों ने हमसे सवाल किया कि भाई साहब जिस प्रकार इस समय सीएमओ का रवैया है, ग्रामीण स्तर में कोरोना काल में क्या किया गया, उन्होंने सवाल किया, तो इसको किस नजरिए से आप देखिए? जो तकलीफ का कारण यही है कि कोरोना महामारी के शुरू होते ही लॉकडाउन और उसके तमाम बाद हमारे जैसे कई संगठनों ने अपने धन को अपने व्यापार ना होते हुए भी अपने धन से और गांव-गांव जाकर लोगों तक, जरूरतमंदों तक जो है पूरी राहत सामग्री और राशन सामग्री सब अपने पैसे से पहुंचाई है, और यहां तो शासन से जो धन आ रहा है वही नहीं खर्चा किया जा रहा है, तो तकलीफ का कारण तो यही सबसे बड़ा है कि जो हम लोग अपनी जेब से पैसा लेके लोगों की मदद किया है और जहां पर शासन का जो धन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि ये इसको तो बहुत सख्ती से निपटना होगा। देखा गया संदीप जी, आप जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था देश में, प्रवासी मजदूर घर अपने आ रहे थे, उस दौरान आपने कई मास्क राशन किट और सुबह शाम के भोजन की व्यवस्थाएं कराई, तो इसको लेकर के प्रशासन की ओर से आपको क्या मदद मिला था? नहीं, उस समय तो प्रशासन ने जो भी मदद वो मांगते थे वो हम लोग मुहैया करा देते थे, और कोशिश ये रहती थी कि प्रशासन तक ना जाके हम लोगों ने स्वयं गरीबों तक जो है पूरी मदद और राहत सामग्री पहुंचाई है, और शासन की ओर से तो मदद आना बाद में शुरू हुई, और लेकिन उसकी शिकायतें जैसे मिल रही हैं कि जो शासन की ओर से जो दिनचर्या मरीजों की निर्धारित की जाती है, जो इलाज है वो भी अगर समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। तो सीएमओ, एक सवाल ये है कि सीएमओ द्वारा जिस प्रकार लेटर जारी किया जा रहा है, इसको आप किस प्रकार, किस हद तक देखते हैं? क्योंकि जिस प्रकार देर शाम होती है तो एक विज्ञप्ति जारी हो जाती है, दो गुटों में बटा हुआ इस समय जिला रायबरेली, इसे किस प्रकार आपका संगठन देखता है? अब ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, अब ये तो प्रशासनिक मामला है, इसमें तो हम बहुत ज्यादा, हमारा संगठन या हम लोग आम जनता जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो एक मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं सही को और गलत को, तो जो सही है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और जो गलत है उसका विरोध करते हैं। तो आपका एसोसिएशन किस प्रकार, जिलाध्यक्ष? नहीं, अब जिलाधिकारी के जो मैंने बताया कि जो उनकी कार्यशैली रही है और जो भी उनकी रणनीति रही है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, और ये आशा करते हैं कि अगर जिलाधिकारी से ऊपर के किसी अधिकारी ने कोई अगर बात कह दी है तो उसको सबको माननी चाहिए। लेकिन खेद भी व्यक्त करते हैं, उसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये गूंज अगर बात की जाए एक ही जिले में नहीं बची, कई जिलों में गूंज उठ चुकी है। प्रांतीय संघ एसोसिएशन जो डॉक्टरों का होता है वो लगातार इस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, लगातार इसको बढ़ावा दे रहा, तूल दे रहा, तो इसको किस प्रकार आप लोग देखते हैं? क्योंकि आम नागरिक भी हैं आप, आम जनता से जुड़े रहते हैं आप, किस प्रकार इसको आम जनता देखते हैं? नहीं, जनता में बहुत असमंजस की स्थिति है, किसी भी तरह से इस मामले को निपटा दिया जाए और सब लोग मिलजुल के काम करें, यही मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है और उसी की मंशा के अनुरूप उन्होंने कमिश्नर साहब को नियुक्ति किया था। अब इसमें शीघ्र ही अगर सीएमओ महोदय अपने रवैये में और सकारात्मक परिवर्तन लाते नहीं है तो इसमें तो प्रशासन को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका, लगातार जिस प्रकार कोरोना टाइम चल रहा है देश में और रायबरेली की अगर बात की जाए, रायबरेली में काफी लगातार बढ़ रहा है, तो इस ओर जो जिला अधिकारी हैं उन्हें और सीएमओ साहब को जरूर इस कोरोना काल की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि इस कोरोना महामारी से रोकथाम हो सके और लोगों को बचाया जा सके। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।